हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी है। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कंचन रॉय जी, पहले तो बहुत बहुत सॉरी कि आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम से मुझे जेल का यूज़ करके हेयर स्टाइल बनाने की रिक्वेस्ट की है, बट मैं नहीं देख पा रही थी, या फिर देख भी रही थी तो टाइम नहीं मिल रहा था, या फिर जेल नहीं मिल रहा था, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, जिसकी वजह से मैं जेल यूज करके हेयर स्टाइल नहीं बता पा रही थी आपको। लेकिन आज मैं बताऊंगी दो बहुत ही क्यूट एंड ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल जो कि आप पार्टी वगैरह में भी यूज कर सकते हो, और कहीं ऐसे जा रहे हो तो भी यूज कर सकते हो। सिर्फ ये दो ब्लैक वाले छोटे वाले जो रबड़ बैंड होते हैं, इनकी मदद से और हेयर स्टाइल जेल को यूज करके बताऊंगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए आप देख लो, ये ब्लैक कलर की रबड़ बैंड लेनी है आपको भी। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट हेयर स्टाइल में बालों को सेंटर पार्टीशन करूँगी। जेल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे बालों में बहुत ज़्यादा बेबी हेयर्स दिखते हैं, बट मेरे बालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तब थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन बाद में सब सेट हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर जेल का यूज़ नहीं करती हूँ। बट आपके हेयर कर्ली हैं या फिर बेबी हेयर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो आप जेल यूज कर सकते हो, या फिर सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बीच की मांग निकाल ले रही हूँ इस तरीके से फर्स्ट हेयर स्टाइल में। थोड़ा सा जेल लेना है हाथों पे, जहाँ भी आपके बेबी हेयर दिख रहे हैं या फिर हेयर अच्छे से मैनेज नहीं है वहाँ पे आप अप्लाई कर लो जेल को। ओके, आप चाहो तो फ्रंट में कोई ट्विस्टिंग वगैरह वाला हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लो बन बता रही हूँ। तो अच्छे से कॉम कर लेना है, और ये जो पतले वाले रबड़ बैंड है उसको यूज करना है। और इस तरीके से नीचे की तरफ से इस तरीके से निकाल के छोड़ देना है। उसके बाद जो हेयर बचे हुए हैं इनको कुछ इस तरीके से लेना है नीचे की तरफ से, और दूसरी तरफ ले आके और रबड़ बैंड को खींचना है नीचे से। आई होप कि आपको दिख रहा होगा इस, और जो आपका हेयर का एंड पार्ट है उसको रबड़ बैंड के अंदर इन कर देना है। उसके बाद से जो आपका ये नीचे का हेयर है उसको खींचना है, और अच्छे से ऊपर वाले हेयर को सेट कर देना है इसके ऊपर से। और ये काफ़ी अच्छा सा लो बन आपका बन के रेडी हो जाएगा। जहाँ पे आपके हेयर थोड़े से सेट नहीं हो रहे वहाँ पे थोड़ा सा जेल लेना है और ऐसे अप्लाई कर देना है अच्छे से फैलाते हुए। ओके, आप चाहो तो इसको ऐसे फैला के यहाँ पे पिनअप भी कर सकते हो, और चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। यहाँ से आप थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लीजिएगा ताकि आपके स्कैल्प पे थोड़ा सा वॉल्यूम दिखे, जो बालों में वॉल्यूम नहीं होती है तो इससे आपको वॉल्यूम दिखेगी। और ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। ओनली टू छोटे वाले रबड़ बैंड की मदद से, पतला वाला जो रबड़ बैंड होता है उसकी मदद से। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और फ्रंट से आप लेयर्स निकाल सकते हो बालियों के साथ, और साड़ी पे आप ये हेयर स्टाइल कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। तो सेकेंड हेयर स्टाइल बनाने के लिए पहले मैं ये वाला हेयर स्टाइल ओपन कर लेती हूँ। ओपन करना भी बहुत ईजी होता है, आराम से आप इस तरीके से खींच के रबर बैंड को निकाल दो और ये आपका हेयर स्टाइल ओपन हो गया। तो सेकेंड हेयर स्टाइल के लिए आपको बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे आप क्लचर की मदद से इसको सिक्योर कर लीजिए। अब नीचे के जो हेयर हैं उन पे थोड़ा सा हेयर जेल लेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि जो भी हमारे बेबी हेयर्स वगैरह हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं और हेयर स्टाइल बनाने में दिक्कत ना आए। अब फिर से अगेन मैं पतला वाला रबड़ ले रही हूँ यहाँ पे,
टाइटली लगा लेना है रबड़ बैंड को। और साइड से इस तरीके से खींचना है। ओके, ऊपर वाले हेयर्स को छोड़ना है, अच्छे से कॉम करना है। कॉम करके जैसे आप आपका जो आपने ये छोड़ा हुआ इस साइड है तो इधर से आपको सारे बालों को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके इसके नीचे से लेके आएंगे और जो आपका हेयर बचा हुआ है रबड़ बैंड वाला उनको आपस में ट्विस्ट कर देना है। और इसके अंदर से फिंगर टिप से इंसर्ट करके ये हेयर को खींचना है और इसको ट्विस्ट करके यहाँ पे ही इस तरीके से सेट करना है एंड यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेना है। एक दो यू पिन्स और लगा लीजिएगा ताकि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से सेट हो जाए। और ये हमारा सेकंड लो बन हेयर स्टाइल बन के रेडी हो चुका है जो कि काफ़ी इजी है और बहुत ही अच्छा दिखता है और बहुत आसान तरीके से आप बना लोगे और हेयर भी काफ़ी मैसी से दिखते हैं जिससे कि आपका जो लुक है बालों का वो काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो फ्रंट से भी बिल्कुल भी फ्लैट नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। साइड से लेयर्स निकाल लेने हैं और इसको भी आप पार्टी वगैरह में बना सकते हो। तो आपको दोनों में से कौन सा हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपको ईजी लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रंट से अगेन आप थोड़ा सा हेयर जेल लेके बालों पे अप्लाई करने हैं देन कॉम की मदद से सेट कर देना है। आप सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, बट कंचन रॉय जी का काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि ये हेयर जेल यूज करके मैम हेयर स्टाइल बताओ, इसलिए मैंने हेयर जेल का यूज किया है। अगर आपको यहाँ पे थोड़े से हेयर लगे कि लूज पड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिप्स का यूज कर सकते हो इस तरीके से। वैसे नहीं भी करोगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपका हेयर स्टाइल। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे अच्छा लगा, कौन सा हेयर स्टाइल ईजी लगा, और जो अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर लेना और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टा आईडी PreetiBhai24 है एंड जो सेकंड चैनल है सिलाई कोर्स PreetiBhai, वहाँ पे भी अमेजिंग ड्रेस की वीडियोज आप लोग को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए।